शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत शहर के सबसे पॉश क्षेत्र मॉल रोड पर मुरम्मत के चलते शौचालय बंद पड़ा है। 6 महीने से इस शौचालय का कार्य चला हुआ है, जिसके चलते लोगों सहित पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसके खिलाफ पूर्व पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने मोर्चा खोल दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने इस कार्य को 1 सप्ताह में पूरा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर यह शौचालय का कार्य पूरा नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल पर बैठने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि मॉल रोड पर एकमात्र शौचालय है और इसकी मुरम्मत का कार्य 6 महीने से चला हुआ है, जिससे लोगों को और खासकर पर्यटकों को काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। यहाँ के दुकानदारों को शौचालय में जाने के लिए भटकना पड़ रहा है। इस शौचालय का कार्य स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा है, लेकिन बड़ी धीमी गति से यह कार्य किया जा रहा है। 6 महीने में नया शौचालय बनकर तैयार हो जाता है। उन्होंने कहा कि मॉल रोड पर लोगों की काफ़ी आवाजाही रहती है और यहाँ शौचालय ना होने से उन्हें भटकना पड़ रहा है। आज मैं यहाँ पे धरने पे माल रोड पे जो मेन टॉयलेट यहाँ खादी के साथ मेन बड़ा टॉयलेट शिमला शहर का है, वो पिछले 6-7 महीने से बंद पड़ा है। इसका कार्य चल रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से, इसका बहुत अच्छा जीर्णोद्धार हो रहा है। और लेकिन मुझे रोष इस बात का है कि ये काम 2 या 3 या 4 महीने में हो जाना चाहिए था, जबकि 6-7 महीने होने के बावजूद भी ये आज अभी तैयार नहीं है, तो मुझे रोष है। इसलिए मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ। लोगों को बहुत समस्या आ रही है, लोगों के कहने पे ही मैं ये स्टेप उठाया है, क्योंकि मेन टॉयलेट शहर का है। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो रेस्टोरेंट में चाय वाय पी के अपना गुजारा कर लेते हैं या टॉयलेट वहाँ चल जाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास या आम आदमी और गरीब आदमी कहाँ जाएगा, वो इतने दूर टॉयलेट के लिए उन्हें जाना पड़ रहा है। साथ ही एक कॉफी हाउस में, यहाँ पे कॉफी हाउस के नीचे एक पब्लिक टॉयलेट है, वो भी काम में चला, वो भी बंद पड़ा है। और गंज बाजार में एक टॉयलेट है, वो भी बंद पड़ा है। इसके नजदीक जितने भी इधर इधर टॉयलेट है वो बंद पड़े हैं। मैं प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसे तैयार किया जाए, ताकि लोगों को सुविधाएं मिले। कई गरीब आदमी तो सामने जाके इतनी प्रेशर में आता है तो वो नालियों में करते हैं, और कितना टूरिस्ट प्लेस है आप समझ सकते हैं, माल रोड कितना पॉश एरिया है। यहाँ इस तरह की हरकत तो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को बताना चाहूंगा कि इस टॉयलेट को जल्दी से जल्दी ठेकेदार को कहकर तैयार किया जाए, लोगों के हैंडओवर किया जाए। क्या ये ठेकेदार की नाकामी है या नगर निगम की? देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ये काम हो रहा है, तो प्रशासन को भी चाहिए कि हाँ जी टाइम बाउंड इस काम को दिया जाए, क्योंकि मेन शहर का टॉयलेट है। एक टॉयलेट बनाने में 6-7 महीने या साल में 2-3 लेंटर पड़ जाते, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, यहाँ पे एक टॉयलेट नहीं बन रहा है इनसे, और कितनी परेशानी लोगों को आ रही। लेडीज टॉयलेट भी है, ये जेंट्स टॉयलेट भी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी हो, और मैं आपके माध्यम से एक डीसी साहब को और प्रशासन को बताना चाहूंगा कि बालूगंज में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 1.5 करोड़ का डंगा था, वो बैठ गया है, उसकी दरारें आ गई थी, लेकिन प्रशासन को उस डंगे को खुलाने की बजाय ठेकेदार से 1.5 मीटर का डंगा उसी के बाहर लगाया जा रहा है, जो कि उस सड़क को, जहां पहले जितनी तंग सड़क वो पहले थी, आज भी उतनी ही तंग सड़क वो दोबारा से बना रहे हैं। करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के क्यों वेस्ट किए जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।